और दोस्त क्या हाल है। मैं आज आपके लिए बहुत ही मजेदार पहेलियां लाया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना। एक बार बहुत जोर से बारिश हो रही होती है और राहुल की कार खराब हो जाती है। तभी वहाँ तीन कार आती है जो राहुल को लिफ्ट के लिए पूछती है। क्या आप बता सकते हो कि राहुल को कौन सी गाड़ी वाले से लिफ्ट लेनी चाहिए? ध्यान से देखो और अपना जवाब बताओ। तो दोस्त अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर दो पोस्टर लगे हैं, जिसमें से एक वांटेड क्रिमिनल का है और एक में चोरी हुई कार है। तो उन तीनों कारों में से एक कार तो चोरी की है और एक कार में वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए राहुल को इस वाली कार से लिफ्ट लेनी चाहिए। एक बार समीर स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो जाती है। वो लाइब्रेरी से निकलकर घर जा रहा होता है कि उसे क्लास से हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ रोहन मिलता है। समीर रोहन से पूछता है कि तुम्हें किसने बंद किया था। रोहन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो कैंटीन गया था कुछ खाने के लिए, लेकिन कैंटीन आज बंद था तो मैं वापस जाने लगा। तभी किसी ने मेरे मुंह पर बैग डाला और मुझे कमरे में बंद कर दिया। समीर कहता है चलो अभी घर चलते हैं, कल पता लगाएंगे कि वो कौन था जिसने तुम्हें बंद किया। अगले दिन सबसे पूछने पर समीर को तीन लोगों पर शक होता है। रोहित कहता है मैं क्लास में बैठकर होमवर्क कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। गौरव कहता है मैं रोहन के साथ ही था और जल्दी घर चला गया था। मीना कहती है मैंने सुबह कैंटीन में स्नैक्स खाए और उसके बाद खेलने चली गई। तो दोस्त क्या इन सब की बातें सुनकर आप बता सकते हो कि रोहन को किसने बंद किया था? तो अपना आंसर कमेंट करो। दोस्तों मीना ने कहा था कि उसने कैंटीन में स्नैक्स खाए, लेकिन उस दिन तो कैंटीन बंद थी ना, तो यानी मीना झूठ बोल रही है। इस इमेज में देखकर क्या आप बता सकते हो कि ये मर्डर है या सुसाइड? ध्यान से देखो और जल्दी से बताओ। तो दोस्त यहाँ टेबल पर दो ग्लास रखे हैं, जिसका मतलब यहाँ दो लोग थे, और यहाँ शीशा भी टूटा हुआ है जिसका मतलब है कि यहाँ हाथापाई हुई है, और भला कोई अपने आप को राइफल से कैसे मार सकता है। यहाँ इन दो इमेजेस में कुछ डिफरेंस है, आपको बताना है कि इनमें टोटल कितने डिफरेंसेस हैं। अपना आंसर कमेंट जरूर करना। तो दोस्त आपको कितने डिफरेंसेस मिले? इन इमेजेस में टोटल 7 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है घोड़ों की पूंछ, दूसरा ये भेड़ उसी तरफ देख रहा है, तीसरा डिफरेंस है कि इस डक का मुंह खुला हुआ है, चौथा गाय की पीठ पर ये स्पॉट मिसिंग है, पांचवा डोंकी का कान, छठा पिग का हाथ, और लास्ट बकरे की दाढ़ी। आप एक बस स्टॉप पर खड़े हो, तभी तेजी से एक बस जाती है और बस के ड्राइवर को पता चलता है कि बस के ब्रेक्स फेल हो गए हैं और वो उसे रोक नहीं सकता। बस की स्पीड बढ़ती जा रही है, पैसेंजर्स डर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि वो रोड खत्म हो रही है और वो खाई में गिरने वाले हैं। वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। तो दोस्त अब आप बचने के लिए क्या करोगे? जल्दी से सोचो और अपना आंसर कमेंट करो।
तो दोस्त इसका आंसर है कुछ भी नहीं। क्योंकि आप तो बस स्टॉप पर ही हो ना, बस तो आपके पास से तेजी से निकल गई थी ना। ये रिडल बहुत ही दिमाग वाली है, तो इसे आप सॉल्व जरूर करना। इनमें तीन डेविल्स हैं और तीन एंजल्स, इन सबको नदी पार करनी है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि नदी पार करने के लिए इस बोट में सिर्फ दो लोग ही जा पाएंगे, और अगर किसी भी तरफ डेविल का नंबर एंजल से ज्यादा हो गया तो वो एंजल को मार देगा। लेकिन एंजल ज्यादा होने पर वो डेविल को नहीं मारेगी। तो क्या आप इन छह के छह लोगों को नदी पार करवा सकते हो? इस रिडल को सॉल्व करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो दोस्त अगर आपको इसका आंसर मिला तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं मिला तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले एक एंजल और एक डेविल नदी पार करेंगे, फिर एंजल वापस आ जाएगा और इस बार दो डेविल जाएंगे, और एक डेविल वापस आ जाएगा और अब दो एंजल चले जाएंगे, और फिर एक एंजल और एक डेविल नदी इस बार वापस आ जाएंगे, और फिर सारे एंजल इस पार आ जाएंगे, और फिर एक एक करके सारे डेविल्स नदी पार कर लेंगे, और ऐसे सभी डेविल्स और एंजल्स नदी पार कर लेंगे, है ना? बहुत ही बढ़िया। एक ऑफिस में बॉस को कुछ एम्प्लॉइज को निकालना था जो ऑनेस्ट नहीं है और काम नहीं करते। उनमें से एक थी नेहा। नेहा अपने बॉस के ऑफिस में आती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे अकेले बच्चों को संभालना होता है, तो उसे जॉब से ना निकाले, तो बॉस उसे जॉब से नहीं निकालते। थैंक्सगिविंग डे आने वाला होता है, उससे पहले बॉस नेहा को बुलाता है और उसे जॉब से निकाल देता है। आखिर क्यों? जल्दी से सोचो और अपना आंसर कमेंट करो। तो ये देखो, जब नेहा ने प्रेग्नेंट होने की बात बताई थी तब से अब तक 11 महीने हो चुके हैं। अब तक तो उसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए थी ना, इसका मतलब नेहा नाटक कर रही है। एक लैब में से बहुत खतरनाक वायरस गायब हो जाते हैं, जिस वजह से लैब में रखे सारे प्लांट्स और एनिमल्स मॉन्स्टर बन जाते हैं। साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि वो उन मॉन्स्टर्स को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं, पर उस केमिकल को लाने के लिए उन्हें दूसरी लैब में जाना होगा, जहाँ जाने के लिए तीन रास्ते हैं। पहले दरवाजे के पीछे मांस खाने वाला कैक्टस है, दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीली मधुमक्खियाँ हैं, तीसरे दरवाजे के पीछे मुंह से आग निकलने वाली बिल्लियाँ हैं। तो आपके हिसाब से उन्हें कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्त इसका आंसर है डोर नंबर 1, क्योंकि पहले दरवाजे के पीछे मांस खाने वाले कैक्टस हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो उससे जाना ज्यादा सेफ होगा ना। सपना और दीपक हस्बैंड वाइफ, वो पिछले 10 सालों से एक साथ हैं। दीपक कुछ दिनों के लिए ऑफिस ट्रिप पर जाता है, और जब वो वापस आता है तब उसकी वाइफ समझ जाती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है। क्या आप बता सकते हो कि ये सपना को कैसे समझ आया? तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है कि नकली दीपक की उंगली में वेडिंग रिंग थी ही नहीं, और तो और क्योंकि दीपक ने 10 साल से रिंग पहनी हुई थी, तो अगर वो खो गई होती तो उसका निशान तो जरूर रहता, पर यहाँ उसकी उंगली पर निशान भी नहीं था। तो दोस्त इस इमेज में आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने डिफरेंसेस है, और अपना जवाब जल्दी से कमेंट करना।